तो दोस्तों UIDAI की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई हुई है, जिसके थ्रू अब आपने आधार कार्ड में बिना किसी एड्रेस प्रूफ के अपने आधार कार्ड में एड्रेस का करेक्शन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो भी आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस डलवाना चाहते हैं, वही सेम एड्रेस आपके फैमिली मेम्बर के किसी के आधार कार्ड में होना चाहिए, चाहे वो आपका फादर, मदर या आपका हस्बैंड हो सकता है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड में और जिसके आधार कार्ड के बेस पर आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाना चाहते हैं, उसके आधार कार्ड में और आपके आधार कार्ड में दोनों लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आप आधार कार्ड में अपने इजीली करेक्शन करवा सकते हैं। उसका मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि कैसे आप आधार कार्ड में करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, उसका मैं पूरा जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा, जो कि आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे www.ssup.uidai.gov.in तो भी आप इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद में अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद में जो कैप्चर कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको सेम टू सेम आप यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद में आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसको आप यहां पर डालेंगे। देन उसके बाद में फिर से आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने आपके आधार कार्ड का पूरा डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप यहीं से अपने आधार कार्ड की सभी सर्विस को एक साथ ही यहां पर मैनेज कर सकते हैं। इसी में आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आपको यहां पर एक न्यू ऑप्शन दिखाई देगा, ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज का, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर एक न्यू ऑप्शन दिखाई देगा, हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ट एड्रेस अपडेट का, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको यहां पर बताया जा रहा है हाउ टू वर्क, मतलब ये किस तरीके से काम करेगा, तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद में फिर से आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने करंट डिटेल यहां पर दिखा दिया जाएगा, जिसमें आप यहां पर अपने फादर का नेम देख सकते हैं। उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद में आप इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो आपको यहां पर आधार नंबर डालना होगा। आप यहां पर आधार नंबर उस पर्सन का डालेंगे जिसके आधार के बेस पर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करवाना चाहते हैं, उसका आप यहां पर आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद में उसके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको आप सेम टू सेम यहां पर डालेंगे। उसके बाद में इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर रिलेशनशिप सेलेक्ट करना होगा कि जो भी आपने यहां पर आधार नंबर डाला है, जिसका ये आधार है उसके साथ में आपका क्या रिलेशन है, तो आप यहां पर अपना रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको इस पर्सन के साथ में जो आपका रिलेशन है, फादर, मदर, गार्जियन या फिर अदर वाइफ, जो भी है आपका हस्बैंड वगैरह, उसको आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में आपको यहां पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन का जो आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा यहां पर एडवाइजरी आ जाएगा, जिसको आप रीड कर लेंगे। उसके बाद में आप यहां पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें आप अपना पूरा डिटेल डालेंगे, जो भी आपका पूरा डिटेल है वो आप यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद में इस फॉर्म को यहां पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपको फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको यहां पर 50 रुपीज का पेमेंट करना होगा। इसके लिए आप यहां पर चेक करेंगे। उसके बाद में आप यहां पर रेजर पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से QR कोड ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप यहां पर कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं।
इस QR कोड को स्कैन करके उसके बाद में जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपके अकाउंट से 50 रुपीज कट हो जाएंगे और आपका जो है पेमेंट पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक SRN नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। SRN नंबर मिल जाने के बाद में उसके बाद में आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अब आपको सेकेंड स्टेप कंप्लीट भी कर लेना है। देन इसके बाद में अब आपको उस पर्सन का आधार कार्ड इसी तरीके से फिर से लॉगिन करना होगा, जिसके आधार कार्ड के बेस पर आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस का करेक्शन करवाना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड में जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली है उसको आपको यहाँ पर आकर के उसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आपके आधार कार्ड में एड्रेस का करेक्शन किया जाएगा। तो इसके लिए आपको उसके आधार कार्ड को लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद में आपको यहीं पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा SRN नंबर का, इसमें आपको जो भी आपको SRN नंबर मिला हुआ है उसको आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में फिर से आप एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में 30 डेज के अंदर करेक्शन करवा दिया जाएगा। उसके बाद में आपके आधार कार्ड को जो भी आपके एड्रेस पर जो आपका एड्रेस पड़ा होगा उसी पर बाय पोस्ट आपको डिलीवर्ड करा दिया जाएगा।